नए तरह का बिजनेस है। मोबाइल पे आप जो सारे वो देखते हैं ना अपने ऐड आते हैं और सारे ये सर, तो इससे जुड़ा हुआ काम काज करती है कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI है का काम है। हाँ, और बढ़िया कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की 6.75% स्टेक है इस कंपनी में। अच्छा, वैल्यूशंस ठीक है, स्टार्टअप है कि थोड़ा सर ये बड़ी कंपनी है, स्टार्टअप है कि बड़ी कंपनी है? स्टार्टअप से बड़ी बन रही है। अच्छा, स्टार्टअप से बड़ी हो रही है। 40 साल के ही है इनके प्रोमोटर। अच्छा, आपकी उम्र? हाँ सर, थोड़ी कम है, 40। अभी भी मौका है। ओके तो थोड़ा कंपनी में पैसा जा रहा है, थोड़ा प्रमोटर्स का को जा रहा है। बढ़िया चीज़ है, अच्छे अपनी तरह का नया बिजनेस है। अब इस तरह के बिजनेस में डिम्पी एक चीज़ होती है कि या तो बहुत मोटा पैसा बनता है या बिल्कुल नहीं बनता। तो ये स्टार्टअप वाली सिचुएशन में आपके लिए रिस्क ज़्यादा हो जाती है। अब ये स्टार्टअप नहीं रहा तो अब इस लेवल पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि पैसा बनाने का मौका है। ये इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट रहेगा, वैल्यूशन हमेशा महंगे मिलेंगे इनको। 745, अच्छा सेकेंडरी मार्केट में तो वैसे भी नहीं बन रहा आपका हाँ, वहाँ तो बने है ना, तो कम से कम यहाँ जाएगा तो नहीं। मेरा पॉइंट ये कि यहाँ से 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट निफ्टी खराब भी हो जाए, 11,000 का निफ्टी भी मिले इसकी लिस्टिंग पे या उसके, तब भी इसमें आपको लिस्टिंग पे नुकसान नहीं मिलेगा। तो जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं वो लिस्टिंग पर बनाकर निकल जाए, लिस्टिंग पे भी पैसा बन जाएगा। 745 रुपये में लगा लीजिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिनको लॉन्ग टर्म रखना है वो भी लगा सकते हैं, लिस्टिंग पे रिव्यू कर लेंगे लॉन्ग टर्म वालों के लिए। लेकिन एक बार दिल खोल के अच्छे मन से भगवान से प्रार्थना करके पैसा लगाइए कि मेरा अलॉटमेंट आ जाए, बस अलॉटमेंट आएगा तो पैसा बन जाएगा। अब वैसे भी 28% ही है, भर तो जाएगा पूरा? ना ना, आराम भरेगा नहीं, बहुत अच्छा खासा भरेगा, भर जाएगा नहीं, जमकर भरेगा। मैं इस IPO में जो सब्सक्रिप्शन आएगा उससे आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो ये है कि दिक्कत है ना इस बात की नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, दिक्कत इस बात की कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस शेयर में मेरा पैसा नहीं डूबेगा। वहां देखो लोग कैसे दम लगाकर पैसा लगाते हैं। आप सब्सक्रिप्शन के फिगर जब आ जाए तब मेरे से एक बार डिस्कस करना इस बात को, याद रखकर, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा पैसा बनेगा, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है अच्छा पैसा बने ना बने, कल मेरा स्टॉक 3%, 5%, 2% नीचे नहीं होगा तो आप लगाएंगे पैसा। ये कॉन्फिडेंस की कमी है, पैसे की कमी नहीं है मार्केट में, पैसा तो है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस आपको FL के IPO में दिखेगा, तो पैसा लगाना चाहिए मेरी। ठीक है, 745 ये अपर एंड है इसका बैंड का, आप उसी के हिसाब से पर्चा भरिएगा 745 के हिसाब से भी। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि पक्का लगाना चाहिए, और वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ठीक है, प्रमोटर भाव बिजनेस उस हिसाब से ये समझा गया शेयर है। आगे बढ़े सर।